किया था कि इंदौर में जो नेशनल रेसलिंग हुई थी उसके फाइनल से पहले भी आपको डराया धमकाया गया था, लेकिन एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। उस समय तब आपने ये कहा था कि मान सम्मान के चलते मैंने उनके कैच हो गए और उसके बाद मुकाबला नहीं करेंगे। साउथ अभी पूरी बात हो, साउथ अफ्रीका में आप लड़ने गए थे, क्या वहां पर भी कोई डराने धमकाने जैसी चीज थी? क्योंकि पूरे पत्र में आपने बड़े तरीके से जिक्र किया है कि आपको बहुत पूरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है और आपने प्रधानमंत्री से सुरक्षा की मांग की। जी देखिए, नेशनल में अगर हम लोग बात करें तो नेशनल में मेरे चार मुकाबले पहले हो चुके थे सेमीफाइनल तक, और उसमें मैं पेन किलर लेके अपनी पावर कंप्लीट कर रहा था और मेरे मतलब थाई की मसल बिल्कुल फटी हुई थी। तो वहाँ तो मेरा एक पर्सनली डिसीजन था, क्योंकि 10 दिन के बाद मेरी फिर से कॉमनवेल्थ में बाउल फटी थी, तो वहाँ ऐसी कुछ बात नहीं थी। लेकिन कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हमारी बाउट होने के बाद जब नेशनल में जो हुआ है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में, मैंने उसके बारे में ज्ञापन दिया था और वो जरूरी था। नहीं, आपके उस पत्र में बकायदा ये लाइन लिखी हुई है आपकी तरफ से कि इंदौर के फाइनल से पहले आपको डराया धमकाया गया था। जब आप प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और उसमें वो बात का जिक्र कर रहे हैं, अब आप मना कर रहे हैं कि वो ऐसा हुआ नहीं, तो जी देखिए मैं मना उस बारे में नहीं कर रहा हूँ। मना ऐसे तो मेरे गांव में जब मैं ट्रेनिंग करने जा रहा था, कुछ आदमी आए बोलते हैं कि तूने केस क्यों किया, तो इसका मतलब मैं ये सीधा ये नहीं बोल रहा कि सुशील ने किया। लेकिन वहाँ पे भी नेशनल में कुछ बंदे आए थे जो मेरे पास आके बोल रहे कि तू फाइनल नहीं खेलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं किसी में सीधा आरोप लगा रहा हूँ। और अभी जिन्होंने किया, लेकिन वहाँ पे भी नेशनल में कुछ बंदे आए थे जो मेरे पास आके बोल रहे कि तू फाइनल नहीं खेलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है सर कि मैं किसी में सीधा आरोप लगा रहा हूँ। और अभी तो आज हम अपनी बात कर रहे हैं प्रो रेसलिंग की, तो आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि मुझे 21 पर ध्यान देंगे और बाकी जी बिल्कुल। और एक चीज़ मैं बिल्कुल कहूँगा,